Hi, 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 it's Andy and this is my Big Boss 14 review. Dekhna na bhuliyega. Achha, aap to dekh hi rahe ho. Sorry. शुरुआत करते हैं जैस्मिन से. जैस्मिन से क्यों शुरुआत करते हैं? क्योंकि सलमान की आंखें सिर्फ जैस्मिन की तरफ ही जाती हैं पहले. जैस्मिन वाकई में बहुत क्यूट है, बहुत ही अच्छी लड़की है एंड उसके बारे में जितनी भी तारीफ करो आई थिंक कम है. जिस तरीके से वो कहती है कि यू नो मैं बोलना चाहती हूँ पर मैं नहीं बोलती क्योंकि आगे से वो गंद या मैल ही मिलता है और मुझे अपना ये ऐसे बातें नहीं करनी, तो मैं उसको समझ सकता हूँ पर वो बिग बॉस के लिए अच्छी बात नहीं है. तो आई थिंक ये पूरा जो आइडिया था सलमान का या बिग बॉस की टीम का कि जैस्मिन को बताएं कि कुछ करो, देखो मतलब वहाँ पे हंगामा हो रहा है, तुम चाय बना रही हो, इसका भी कोई मतलब है. आई मीन शी इज़ वंडरफुल. आई मीन वो जो सब बातें हुई थी मन में, गाली राहुल को जो दी, फिर सलमान से पूछा कि मैं कौन सी गाली दी, वो अंदर की फीलिंग, आई मीन एक्सलेंट. और एक बात ये भी बोलूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने जैस्मिन ने बोला कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कटरीना कैफ बोला है, टीवी की कटरीना, पर मैंने कभी नहीं माना, पर अगर आप सलमान खुद मुझे ये बोल रहे हो तो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ. आई मीन व्हाट अ वंडरफुल गर्ल, शी इज सो स्वीट, आई लाइक हर अ लॉट. फिर आते हैं गुरु और नोरा अपने नए गाने के साथ, दिल की रानी, और वो बहुत अच्छा गाना है और वो हुक स्टेप, वेरी नाइस हुक स्टेप, आई लव इट. एंड ऑब्वियसली नोरा इज गॉर्जियस और बिग बॉस की कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं. आई मीन शी इज सो ब्यूटिफुल एंड गुरु हैज़ एन अमेजिंग वॉइस, सो आई वॉज रियली हैप्पी टू सी देम देयर. एंड जिस तरीके से उन्होंने ग्रुपिंग्स बनाई और कौन किसकी दिल की रानी है, आई मीन ओवियो दैट वॉज गोना हैपन. बट जिस तरीके से राहुल ने बोला निकी है मेरी दिल की रानी, और निकी की हल्की सी स्माइल भी थी उसमें और जान का चेहरा देखा था, आई मीन इट वॉज बेचारा जान इज एन इडियट, सो वॉट कैन यू डू, देयर इज नथिंग यू कैन डू, ये जो है वो है, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, आप भी उसको एक्सेप्ट कर लो. फिर उसके बाद एजाज और पवित्र के ऊपर बात होती है और उनकी जो नोक जोंक है, ये नोक जोंक तो नहीं कह सकते, ये तो मतलब अवारापन कह सकते हैं, ये चिल्लाना और एक दूसरे के ऊपर इतना बरसना, इट वॉज टू मच. आई मीन एक बात पे कविता बोलती है, कविता के ऊपर आएंगे बाद में क्योंकि वो एक वाइल्ड कार्ड है, पर जिस तरीके से उसने बोला था कि मैंने म्यूट पे कर दिया था, म्यूट पे इसलिए कर दिया था क्योंकि इतनी चिल्लम चिल्ली हो रही थी, मैंने भी वॉल्यूम अपना कम किया था, और वो बोल रही थी ऐसे लग रहा था कि आप लड़ रहे हो और एकदम से आप किस करोगे, तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, एंड आई एग्री विद दैट, डज इट कैन लुक लाइक दैट. फिर उसके बाद जान और राहुल और गुरु गाने शुरू किए और फिर सलमान ने वो ख़त्म किया. इट वॉज लाइक अभी तो हमने बोला था लड़कों को गाने के लिए और फिर सलमान जस्ट टुक ऑफ, एंड आई मीन कोई कुछ नहीं कह सकता ना कि हम तो गाना गा रहे थे और आपने, इट्स ओके, चलो वेल डन वेल डन. फिर उसके बाद डांस स्टेप होते हैं और वो गर्मी का डांस स्टेप, और मैंने चीज़ नोटिस की फिर से, राहुल क्या अब तुम्हारी बैक प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखी हुई है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था? Anyway, let's leave that alone. फिर उसके बाद आती है, फिर कविता का डांस होता है, कविता और नैना का डांस, एंड आई हैव टू से व्हाट अ परफॉर्मेंस, वेरी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, बहुत लड़कियाँ दोनों बहुत ही अमेजिंग लग रही थी, एंड आई जस्ट वांट टू से नैना इज सो सुपर हॉट, कम ऑन. एंड आई थिंक ये लड़की निकी तंबोली को बहुत अच्छी टक्कर दे सकती है, आई थिंक सो. पर उसमें एक ये भी है, उसमें शर्मीली अदा भी है जो उसको घर पे छोड़ के आनी पड़ेगी, पर शायद वो सलमान के लिए थी ना कि वो कंटेस्टेंट्स के लिए होगी. आई होप कि वो एक नज़ाकत वो छोड़ दे, आई होप, ताकि वो आगे बढ़ सकते, क्योंकि जिस तरीके से निकी एक बेशरम लड़की बन गई है इन अ वे, एंड आई थिंक जिस तरीके से वो बहुत ही सेल्फिश है, वो उसके लिए बिग बॉस के घर के अंदर एक स्पेशल पावर बन गया है, क्योंकि शी डजंट केयर एंड दैट्स व्हाई शी कैन डू एनीथिंग, कुछ भी करेगा, राइट?
और आई होप कि नैना उसको ये टक्कर दे पाए, क्योंकि आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है नैना इज़ बेटर लुकिंग देन निकी, शी इज़ क्लासियर देन निकी, शी जस्ट आई फील एट दिस मोमेंट मेरा पहला ओपिनियन है कि शी इज़ बेटर देन निकी, आई थिंक आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सारे लड़के घर के अंदर जैसे निकी के स्पेल के अंदर हैं, मतलब उसके उसके यू नो जाल में हैं, आई थिंक नैना अगर अच्छी गेम खेल के आई है खेलेगी तो वो उसको उनको भी अपनी तरफ कर सकती है, आई थिंक। एंड जिस तरीके से BBQ हुआ था और नैना और कविता के बीच में, ये जाहिर सी बात है कि आपको भी पता है मुझे भी पता है कि नैना ने सब कुछ रट के आई है, उसको सब कुछ पता है हर एक बंदे के बारे में, हर एक सिचुएशन के बारे में, वो बहुत बारीकी सी देख के आई है। आई थिंक ये उसकी उसको बहुत मदद करेगा आगे बढ़ने को इस कंपटीशन में। आई होप कि वो उसको अच्छा इस्तेमाल करे और आगे बढ़े। आई लाइक दिस गर्ल नैना, आई थिंक शी विल बी गुड। कविता, मैं उसके साथ काम कर चुका हूँ, आप लोग कह सकते हो मैं बायस्ड हूँ, पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई थिंक शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। आई थिंक के वो शी इज़ अ नो नॉन सेंस वुमन, वो किसी की नहीं सुनेगी, किसी की नहीं, किसी के कहने पर भी नहीं जाएगी, वो जो उसके मन में आएगा वो करेगी। आई थिंक दैट्स वॉट शी इज़ लाइक। आई थिंक जिस तरीके से एजाज और पवित्र एक साथ हुए हैं और कविता आती है सबसे पहले एजाज से मिलती है क्योंकि वो उसका दोस्त है, आई एम जस्ट एक्चुअली आई गेट देयर लेटर बिकॉज उससे पहले बहुत कुछ हुआ था, तो डांस वांस हो गया, बारबेक्यू हो गया, उसके बाद आते हैं हमारे जोकर, जो नॉट माय वर्ड्स, जोकर यानी कि जो आई थिंक कविता ने बोला था शार्दुल पंडित के बारे में। तो शार्दुल पंडित ने जिस तरीके से हर एक कंटेस्टेंट को एक एनिमल फॉर्म दिया, ही वॉज बैंग ऑन, मतलब हर एक मतलब जंगली बिल्ली पवित्र के लिए करेक्ट है, यू नो हाइना भी आई थिंक उसने बोला था, किसके लिए बोला था, राहुल के लिए बोला था, पता नहीं किसके लिए बोला था, पर वो सही था आई थिंक। उस वो भी अच्छी तरह से देख के आया पूरा शो, और वो है पवित्र का दोस्त। तो इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग कि पवित्र का दोस्त, एजाज की दोस्त, दोनों आते हैं इस टाइम पे, और यू नो कंटेस्टेंट्स को बोला जाता है कि आप किसको उसके, यार मैं थोड़े पॉइंट्स मिस कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे माफ़ करना, पर मैं वापस पहुँचता हूँ कि जो नॉक जोक हुई थी स्टेज के ऊपर नए फ्रेशर्स के साथ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। नैना ने कुछ भी नहीं सुना, मतलब ये गोदी में बिठाने वाली बात तो ये गलत थी, ये गलत, आई मीन ये जोक पकड़ना अलग बात है और ये चीज़ बोलना अलग बात है। आई डेंट थिंक इट वॉज़ वेरी गुड, इट वॉजेंट वेरी नाइस थिंग टू से, पहली बार किसी से मेरी, तुम मेरी गोदी में बैठी थी, नो शी डिडंट सिट योर गोदी, शी वॉज वर्किंग विद यू, शी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, एंड दैट्स लिटिल डिसरिस्पेक्टफुल आई थिंक। पर जिस तरीके से कविता गेव इट बैक टू हिम, ये जोकर भी होगा, आई मीन वो अपने लफ्ज़ों के साथ खेलती नहीं है, वो सीधी गोली मारती है, तो आई थिंक उसको भी पता था मैं क्या बोल रही हूँ, एंड आई थिंक उसने अच्छा उसको दिया डोस छोटा सा। और फिलहाल जब वो बैठते हैं और वो एक दूसरे के साथ पहले से ही समझ रहे हैं कैसा है कैसा नहीं, आई थिंक तीन, जहाँ तक मेरा आइडिया है, हर एक नया फ्रेशर बहुत अच्छा है अलग अलग रीजंस के लिए। शार्दुल कॉमेडियन है, फनी है, इंसाइटफुल है, कविता डायरेक्ट है, नो नॉनसेंस है, नैना बहुत ब्यूटीफुल है और वो बहुत अच्छा सा दिमाग भी रखती है। सो आई थिंक ऑल थ्री कंटेस्टेंट्स आर वेरी गुड कंटेस्टेंट्स, आई थिंक दे विल डू समथिंग फॉर द डायनामिक ऑफ द हाउस, आई थिंक घर के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं ये तीन लोग। अब पहुंचते हैं टास्क मिनट्स पे, आते हैं कि कौन कितने मिनट के लिए दिख रहा था। तो जहां तक मैंने लिखा है, एजाज ने सोचा कि उसको 23 मिनट्स मिलने चाहिए थे, जो बिल्कुल गलत है। आई थिंक कविता और नैना और जो हमारे नए फ्रेशर्स हैं शादुर ने उनको 23 मिनट्स दिया था क्योंकि लास्ट टास्क में उन्होंने बहुत सारा हंगामा किया था, इसलिए उनको 23 मिनट्स दिए थे। बट आई डोंट थिंक कि
पूरे अगर दो हफ्ते या तीन हफ्ते के लिए हम देखेंगे तो 23 मिनट्स उनको नहीं दे सकते, आई डोंट थिंक. निकी ऑब्वियसली उसको 23 मिनट्स चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से उसको उठाव दिया है, चने के झाड़ पे ऊपर कितना चढ़ाया है बिग बॉस ने, तो उसको लगेगा ही कि उसको दिखा रहे होंगे 23 मिनट्स मिनिमम. और पवित्र जो 17 मिनट्स मांग रही थी, आई थिंक इट वॉज राइट, क्योंकि वो दिख तो रही है, ऐसा नहीं कि वो नहीं दिखती. जान को 9 मिनट्स, प्लीज जान, जान नहीं, जान ऐसा मत करो जान. और बाकी के लोग जिस तरीके से, आई मीन जिस तरीके से निकी ने उसके बारे में बोला कि तुम 30 सेकंड्स के लिए, आई थिंक ऑब्वियसली अभी तक वो जान को फिगिव नहीं कर रही है, उसको उसको टॉर्चर कर रही है, इसलिए उसने बोला बस इतना है. तो ऑब्वियसली वो आपसी सहमति से यू नो नहीं कर पाए. और फिर जो हमारे नए फ्रेशर्स हैं, जो पैनल हैं वीकेंड का, उन्होंने उनको दिए, ज़्यादातर मैं कह सकता हूँ कि मैं उनसे सहमत हूँ जिस तरीके से उन्होंने दिए थे टाइमिंग्स. आई थिंक एक बड़ा चांटा लगा निकी के चेहरे के ऊपर जब उसको 5 मिनट मिले, वो लग रही थी उसको तो लग रहा था कि 60 मिनट्स में शायद कोई दूसरा दिखेगा. पर ये बहुत अच्छा सबक था उसके लिए, क्योंकि आई थिंक उसको ये समझ आनी चाहिए कि वो कितनी दिखती है. और तीन जन जो बाहर से आ रहे हैं वो ये बोल रहे हैं, तो शायद अभी वो थोड़ा सा उसका पैग लो होगा और उसको पता चलेगा, उसको भी बहुत सारा काम करना होगा आगे बढ़ने के लिए, जो वो अंडरस्टैंड करती है. Anyway, तो फिर जाते हैं वोटिंग पे. जब रेड जोन की वोटिंग होती है किसको कहाँ भेजेंगे, तो निकी ने नैना चूज़ किया. और नैना आई थिंक निकी ने चूज़ किया क्योंकि आई थिंक शी इज थ्रेटन्ड कि एक और खूबसूरत अमेजिंग लड़की आएगी यहाँ पे, तो मैं उसको यू नो वहाँ भेजना चाहती हूँ कि उसको वो स्ट्रांग नहीं है. तुम्हें कैसे पता वो क्या है? अभी तो तुम लुक पे जा रही हो और वो तुम्हारी कॉम्पिटिशन है. अभिनव ने शार्दुल बोला, आई थिंक क्योंकि उसको लगा कि शायद वो इतना अच्छा कॉम्पिटिटिव नहीं है. जान ने भी शार्दुल को चूज़ किया क्योंकि वो लड़कियों का दीवाना है और लड़कियों को तो वो डाउन नहीं करेगा. जैस्मिन ने नैना चूज़ किया, जो उसने रीज़न दिया कि वो बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे और स्ट्रांग होके आएगी. आई थिंक ये बस एक अच्छा बहाना था उसको वहाँ भेजने के लिए. आई थिंक कहीं ना कहीं जैस्मिन भी उसको कॉम्पिटिशन मान रही है. राहुल ने नैना चूज किया, दैट वॉज इंटरेस्टिंग. आई वॉज लाइक वाई वियर्ड, इट्स रियली वियर्ड, बट देन अगेन राहुल होता है बहुत वियर्ड. निशांत ने शार्दुल चूज किया, अगेन आई थिंक जेंटलमैनली उसने सोचा लड़के को भेज देते हैं उस तरफ. एजाज ने शार्दुल चूज किया कि हम यहाँ पे आके यू नो प्लानिंग करते हैं. ऑब्वियसली वो भी लड़कियों की इज्जत करने की कोशिश करता है. कविता उसकी दोस्त है, नैना बहुत खूबसूरत है, तो उन दोनों को वो रेड जोन में नहीं करता. आई थिंक जिस तरीके से उसने बोला था कि यू नो वो एक प्लान बना के कि कविता को उस तरफ भेजते हैं ताकि मेरी मदद हो, वो सही है, वेरी गुड प्लानिंग. रूबी ने कविता, ओनली एक रूबी ने कविता को वोट दिया और बोला कि मुझे रीज़न याद नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो था पर बहुत इम्पोर्टेंट था यार, क्यों मैं भूल गया, सॉरी गाइज, बट अगर लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट वाज द रीज़न आई फॉरगॉट. तो सिर्फ एक बात बोलूँगा, जब सीन पलटा और बोला गया कि आपने वोट्स ज़्यादा शार्दुल को चार दिए हैं और यू नो नैना को भी चार दिए हैं, अब सीन पलटेंगे, उनको हम भेजेंगे. एक सेकंड, क्या उन्होंने किसी को नहीं भेजा ना, तो ये और पलट ना क्या था? बस एक पलट था कि बेसिकली कविता को कैप्टन बनाया, एक वोट के मतलब एक वोट से उन्होंने उसको कैप्टन बनाया. एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी इस चीज़ में कि आपने किस बाहर वाले को, यूजली ये कैप्टनसी का जो वोट होता है वो घर के अंदर के सदस्य करते हैं वोट, तो ये बाहर से आना और सीधा कैप्टन बनाना, आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत अच्छा होगा गेम के लिए पर ये सही नहीं है. आई फील प्रेजिडेंट के लिए कुछ नया प्रेजिडेंट सेट कर रहे हैं, एंड फेल्ट अनकम्फर्टेबल अबाउट इट, बट इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, दैट्स फॉर श्योर. तो जिस तरीके से कविता घर के अंदर आती है और ऑब्वियसली एजाज को मिलती है, एजाज उसका दोस्त है, शार्दुल मिलता है पवित्र से, बहुत सारी
इंटरमेट बातें होती हैं, तो काफ़ी वो काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं पता चलता है। और जहाँ तक कविता का पहला मोनोलॉग जो होता है घर के अंदर, वो है कि उन्होंने बाहर क्या देखा है। वो अच्छी एडवाइस देती है एजाज को कि तुम अंदर से खुश रहा करो, अपना गेम खेलो, ये करो, पर अंदर से अपने आप को मन में मत मारो, मतलब आप फिर भी अंदर से खुश रहो। ये बहुत अच्छी एडवाइस थी। पर जिस तरीके से उन्होंने रूबीना के बारे में बोला कि वे बहुत इनसिक्योर है अपने, जो ये इन्होंने ये बड़ा सा ये बनाया था, ये तो बहुत 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 रोई थी, और निकी के सामने बोल रही, पवित्र के सामने, तो वो उनका ग्रुप बन गया है, राइट। आई डोंट नो कि कविता ने इतना शो देखा है, क्योंकि BBQ में भी कविता के कोई आंसर्स नहीं आ रहे थे। आई थिंक जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, उसको कास्ट करा गया है, वो वहाँ पे आई है, उसको एपिसोड्स दिखाए गए हैं टीम से, और जो दिखाया गया है वो उसको पता है, पर जो पहले हुआ है बिगिनिंग से उसको नहीं पता है। आई डोंट थिंक शी नोज एवरीथिंग, एंड इसीलिए उन्होंने बहुत सारा रूबीने के लिए बोला जो शायद उनके लिए सही है, पर जहाँ से मैं देखता हूँ आई डोंट थिंक इट्स 100% राइट। एंड ये बात मुझे बुरी लगी कि जिस तरीके से ये रिवील हुआ कि रूबीना ने वोट किया कविता के लिए, ये क्यों रिवील हुआ, बाकियों का क्यों नहीं रिवील हुआ, व्हाट इज दैट अबाउट? ये होता है रियलिटी में फिक्शन करना, राइट। दिस इज हाउ यू क्रिएट सिचुएशंस, राइट। बेसिकली कविता के अंदर एक अनकॉन्शियस बायस पैदा करना, ये बात होती है, क्योंकि वो तुमने मेरे लिए वोट किया, वो बात तो उसके जहन में रहेगी ऑल द टाइम। सो अभी रूबीना के डेफिनेटली अगेंस्ट ही जाएगी, एंड ये क्योंकि उसको बताया गया कि उसने उसको वोट किया था। सो एनीवे, तो फिर उसके बाद निकी और राहुल बात कर रहे हैं, और निकी राहुल को बोलती है अब तो हम सेल्फिश हो जाएंगे, हम अपना सोचेंगे। यार इससे क्या डिफरेंट है, यही तो तुम करती हो, यही तो तुम दोनों करते हो, तुम दोनों बहुत सेल्फिश हो, तुम अपने ही सोचते हो, तो इसमें क्या नया प्लान? हाँ, एक नया प्लान था, निकी ने बोला कि तुम सबके साथ मिलते रहो और जो जो वो बातें करते मुझे बताते रहो, बेसिकली नया जान बन जाओ, डबल एजेंट। तो राहुल उससे अग्री कर लेता है, पर क्या करेगा नोबडी नोज। उसके बाद पवित्र और एजाज प्लॉट करते हैं कि हम ग्रीन जोन में कैसे आए, बस हो गया, तो अभी ये भी होगा। और फिर पवित्र एक बात भी बोलती है कि अब गंदगी होगी। यार कितनी गंदगी बोलोगे आप? आपने इतनी गंदगी ऑलरेडी बोल दी है, गौर के ऊपर अपनी गंदगी बोली थी, आप हर टाइम पे बहुत सारी गंदी जुबान यूज कर रहे हो, और कितनी गंदगी करना चाहते हो, और प्लीज मत करो, मत करो प्लीज। एनीवे, देखेंगे क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। आई थिंक थोड़ा सा वो देखा था कि क्या होने वाला है। कविता अपने फुल फॉर्म में आती है कैप्टन में, वो बहुत सही है, और पवित्र को भी उसने बहुत अच्छी तरह डांटा, तो इसका मतलब है वो अपनी गेम खेलेगी, जो मर्जी हो जाए। सो दैट्स द फिट आई एम एक्साइटेड अबाउट। और फिर राहुल प्यार में हो जाता है नैना के, वो तो दिखता है दूर से। So it's very exciting what's happening. It's very good contestants. I think the episode is going really well. I'm very excited for next episode. See you in my next episode tomorrow. But till then, bye. Take care. If you like this video, please like. If you want to come comment, you can comment. And I will write you back. Thank you very much. Goodbye. Bye-bye.